मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए दिल को सुकून देने वाला वीडियो आ गया है। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को लेकर जितनी खबरें थी, जितने विवाद थे, जितनी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, उन सभी पर लगाम लगाते हुए मुंबई इंडियंस ने एक वीडियो शेयर किया है जहां पर हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को गले लगाया है। टीम का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, हार्दिक पांड्या जो कप्तान मुंबई इंडियंस के, वो वहां पर टीम को एड्रेस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र रोहित शर्मा को पड़ी, हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के पास गए और उनको गले लगा लिया। हालांकि रोहित शर्मा का जो इंटेंशन था वो हाथ मिलाने का था, लेकिन हार्दिक पांड्या वहां पर गए, उन्होंने रोहित शर्मा को गले लगा लिया। कुछ दिनों पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर हार्दिक पांड्या ने साफ कहा था कि भाई रोहित शर्मा जो पहले कप्तान थे मुंबई इंडियंस के, उनका बहुत बड़ा रोल इस बार भी टीम में रहने वाला है। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो रोहित शर्मा की वो मदद भी लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉन्ट बी एनी डिफरेंट बिकॉज ही इज गोना बी ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट इफ आई नीड हिज हेल्प। At the same point of time, you mentioned that he is the captain of Indian team as well, which helps me because this team, what it has achieved, it has achieved under his belt. And from now onwards, it is just going to be thing what he has already achieved. I just carry forward that. So I don't think it will be any awkward or anything different. It will be a nice feeling because we've been playing for 10 years. I played whole my career under him, and I know he's gonna have a hand on my shoulder always throughout the season. साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या से पूछा गया था क्या रोहित शर्मा से उनकी बात हुई है जब से वो मुंबई इंडियंस के कप्तान बने हैं। इस पर हार्दिक पांड्या ने कहा था कि रोहित शर्मा काफ़ी बिजी हैं, लगातार ट्रैवल कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, तो उनकी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जब रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का कैंप ज्वाइन करेंगे तब वो जरूर रोहित शर्मा से बात करेंगे। आई वांटेड टू आस्क यू दैट यू नो इट इज रोहित विल बी पुटिंग हैंड्स ऑन यू नो ऑन योर शोल्डर एंड गाइडिंग यू, बट हैव यू हैड अ चैट सिंस द चेंज हैज टेकन प्लेस विद रोहित? Yes and no, because he's been traveling, he's been playing. We all are professionals. By the time the team comes together, we've been playing cricket, so it's been only a couple of months since we have not seen each other. And as mentioned, whenever the IPL starts, which is from today onwards, we are playing a practice game. Once he comes, we'll definitely have a chat. और अब जब रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैंप में पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया गया है और अब हार्दिक पांड्या ने भी उन्हें गले लगा लिया है। यानी जितने भी फैंस के बीच आपस में विवाद चल रहा था, रोहित शर्मा के फैंस हो चाहे हार्दिक पांड्या के फैंस हो, सोशल मीडिया पर लगातार लड़ रहे थे, लगातार एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, एक दूसरे को नीचा तक दिखा रहे थे, अब उन सभी फैंस के लिए वीडियो एक तरीके का सुकून है। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या फिर से एक बार टीम के लिए साथ में खेलते हुए मुंबई इंडियंस के लिए नजर आएंगे। रोल चेंज होगा, इस बार कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे, रोहित शर्मा उनके अंडर में खेलते हुए नजर आएंगे।